अल्लाह वबरकातु। जी भाई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद फहीम है। मोहम्मद फहीम जी, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपको। आपकी आपने अपनी बीवी को कब तलाक दी? सर मैंने परसों दी, परसों रात तलाक। उसे उसका नेट बना रहा था, नेट बनाने के मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा उसका, कॉल रिकॉर्डिंग, तो उसने कल सुना वो मैसेज। परसों आपने अपनी बीवी को तलाक दी है, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं सर दिल्ली से हूँ, बोलता हूँ दिल्ली से हूँ। मैं कुवैत में उस टाइम मैंने वॉइस मैसेज छोड़ा था अपनी वाइफ को। दिल्ली में किस जगह से हैं आप? मैं सीलमपुर में रहता हूँ। अच्छा, सीलमपुर में रहते हो, और आपकी बीवी वहीं रहती है सीलमपुर में? नहीं नहीं, वो अपनी माँ के यहाँ की। वो कहाँ पर है, उनका नाम क्या है? वाइफ का नाम मेरी सबिया खातून है। सबिया खातून, और वो कहाँ, किस शहर में रहती हो? वो जी नजाबाद में रहती है, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर की हैं। तो आपने जब अपनी बीवी को तलाक भेजी है और तलाक देना चाहते थे, इसीलिए तो तलाक भेजी है ना आपने? तीन तलाकें भेजी हैं? नहीं, मैं तलाक दी नहीं। मैं उस समय मेरी थोड़ी बहुत बोल चाल हुई थी उससे रात में, तो उसने उस टाइम नेट बंद कर लिया। मैंने वॉच मैसेज छोड़ा था उसके, तो उसने नेट खोला सुबह रात, तो कल की रात दिन में नेट खोला, उसने रात दिन में मैसेज वो सुना है, वॉच मैसेज। वो कैसा वॉइस मैसेज था, उसमें आपने क्या कहा था? आपके पास है वो वॉइस मैसेज? हाँ मेरे पास है। मैंने बोला उसमें, मैंने तुझे तलाक दी, बस एक ही सांस में बोला है तीन बार। अच्छा, तो एक तलाक हुई है, और आपकी बीवी हैज से तो नहीं थी परसों? जी हैज से तो नहीं थी वो? पता नहीं, मालूम नहीं सर, मैं इस बार में मालूम नहीं किया। अच्छा, अगर वो हैज से थी तो तलाक नहीं हुई है, और अगर हैज से नहीं थी तो एक तलाक हुई है, और आप अपनी बीवी से रुजू कर सकते हैं। रुजू के लिए तीन हैज की मुद्दत होती है, तो तीन हैज ख़त्म होने से पहले पहले आप अपनी बीवी से रुजू कर सकते हैं। तो आपने परसों तलाक दी है, रुजू कर लीजिए, परेशान ना हो। एक तलाक हुई है और दो तलाक देने का भी आपको हक हासिल है। वो बीवी है आपकी अभी, अगर आप रुजू कर लें। रुजू करना चाहता हूँ, उसके पापा वो नहीं मानते रहे, अरे तलाक हुई है ऐसे बोलते हैं, तो तुम थोड़ा बहुत मैसेज छोड़ देते मेरे पास, मैं उनको सुना देता। ठीक है, ये गुफ्तगू मेरी और आपकी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, आप मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, आप अपने ससुर को सुनवा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तीन तलाक़ें कोई देता था तो वो तीन तलाक़ें शुमार नहीं होती थी, बल्कि अबू बकर के दौर में भी और उमर के इब्तदाई दो सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीन तलाक के बारे में सुना, और हज़रत रुकाना की बड़ी मशहूर हदीस है, तो आपने शदीद गुस्से का इजहार किया। और ये जो तलाक होती है ना, तलाक तीन एक मजलिस में दे दी जाएँ, तो सऊदी अरब के उलमा का, यहाँ के जो फतवा कमेटी है, आला फतवा कमेटी, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये एक तलाक हुई है, तीन नहीं हुई हैं। तो आप अपनी बीवी से रुजू कर सकते हैं। रुजू करने के लिए आपका कुवैत से वहाँ जाना शर्त नहीं है, बल्कि आप उनको बता दें कि मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया है, और वो रुजू करना आपका काफ़ी होगा, उसके लिए आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको बता दीजिए। ठीक है, तो जी आप मेरे पास मैसेज छोड़ दो, मैं उनको सुना देगा। ठीक है, ये तो मैंने, ये मेरी जो और आपकी गुफ्तगू हो रही है ना, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है, ये आप उनको भेज दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, ओके। क्लियर हो गई ना बातें आपके? अगर आप चाहें तो अपने ससुर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें, आप कॉल कर सकते हैं उनको। अच्छा, बहरहाल उनको मेरी वीडियो दिखा दीजिएगा, और मैं आपको वॉइस मैसेज भी आपको भेज दूंगा। ये तलाक एक तलाक हुई है, अगर हुई है, तीन तलाक नहीं हुई, आप रुजू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, और अपनी बीवी का ख्याल रखो, उसको बार बार ये ऐसे गुस्से में दोगे तो फिर अब दो चांस बाकी हैं आपके पास, फिर वो हराम हो जाएगी अगर इस तरह की हरकत आपने दोबारा करी। और अगर बीवी हैज से थी तो फिर एक भी तलाक नहीं हुई। ठीक है, ये मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में, मैंने इतनी बात नहीं हुई थी ना मेरी परसों। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है,
खुश रहें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके जनाब, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।